साइंसेस से रिलेटेड डिजिटल कंटेंट की या सोशल साइंसेस से रिलेटेड टूल्स की। तो बिफोर हम ये सेशन स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि एक एक सवाल बेसिकली मैं आपके उस पर रखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या यूज करते हैं या किस तरह से यूज करते हैं। तो मैं अभी आप लोगों के साथ एक सवाल शेयर करूंगी जिसमें आप अपने 2 से 3 आंसर्स दे सकते हैं, जिसके अंदर आप बताएंगे कि क्या टूल आप यूज कर रहे हैं या फिर कोई टाइप ऑफ रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं अपने क्लासरूम के अंदर अपना जो सोशल साइंस स्पेशलाइजेशन है उसको पढ़ाने के लिए। मैं अभी आपसे शेयर स्क्रीन कर दूं। तो अब आप लोग को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगी, हाँ जो है ये menti.com पे जाएंगे। आपका फोन है तो फोन पे आप menti.com खोलिए, और अगर लैपटॉप पे है तो आप अपनी साइड वाली देख सकते हैं। तो 5 4 6 3 4 3 1 4। आप ये जैसे ही कोड देंगे तो आपको आंसर 3 आंसर देखने की वो ऑप्शन देगा। आप उस ऑप्शन को आंसर जैसे मान लीजिए कोई तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज लिखी है, ऑडियो यूज करें या वीडियो यूज करें या कोई और पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसोर्स यूज करें, कोई हो सकता है डिफरेंट टूल्स लिखना है, कोई सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन लिखना चाहे, तो दिस इज ओपन। आपने कोई भी आंसर अपनी नीड के हिसाब से दे सकते हैं जो आपको लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई सिर्फ सिंपली यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं, यू कैन राइट व्हाट एवर यू आर यूजिंग इन द क्लासरूम। आप लोग कर पा रहे हैं? यस मैम, हो रहा है, बट मैम आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार ही हम लोग चेक करते हैं। तो अभी क्लियर ब्रेक नहीं आ रही है मैम। हो रही है मैम। आप लोग आंसर दीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ऑडियो की। आप 2 मिनट में लीजिए, सभी जितने आंसर आपके पास है आप
ये आप किस में? हाँ, ये आप किस रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए, आप अटेंडेंस लिंक की बात कर रहे हैं क्या? जो ये प्रियंक कुमार जी ने लिखा है रजिस्ट्रेशन लिंक प्लीज, तो ये आप अटेंडेंस लिंक के लिए बोल रहे हैं, तो अटेंडेंस लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा इस सेशन के बाद। अभी मैंने अपना वीडियो बंद किया है सो दैट आप लोग आराम से सुन सके मुझे। अब हम देखते हैं आप जो 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 एप्लीकेशंस है, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, तो इसमें पहला आ रहा है हमारा दीक्षा, जी शाला, ये दोनों ही हमारे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर डिजिटल कंटेंट, वैरायटी ऑफ डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना वीडियो बंद कर लें, मेरी मजबूरी है बंद करना। मैम साउंड दूसरा क्लियर नहीं है, मैम साउंड ऐसा क्लियर नहीं कुछ है। हाँ ठीक है। हाँ अभी आप लोगों के लिए आवाज ठीक है? जी जी मैम, अब अभी ठीक आवाज आ रही है। ठीक है अभी। दो लैपटॉप से अब हम कनेक्टेड हैं, एक पे आपको कैमरा दिखेगा और दूसरे पे आपको ऑडियो दिखेगा। तो ये जो अभी हमने की एक्टिविटी, इसके अंदर जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं, हमने डिस्कस किया जीशाला और दीक्षा जो है वो हमारे दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर बहुत सारा डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है जिसपे अनलिमिटेड नंबर ऑफ वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टाइप के अवेलेबल है। गूगल मीट केवल एक प्लेटफॉर्म है, वो हमें कुछ डायरेक्टली नहीं उपलब्ध करवाता, पर हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो ये हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स हैं उसको हम रिकॉर्ड करके यूज कर सकते हैं। पीपीटी, एक्सकर्शन, यस, सोशल साइंस के लिए मेरे ख्याल से एक्सकर्शन एक इम्पॉर्टेंट टूल है, और ऑनलाइन वीडियोस चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से आ रहे हो या दीक्षा के माध्यम से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। काइन मास्टर जो वीडियो क्रिएशन का एक टूल है, काहूत जो है हमने हम सभी जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये हमारा क्विजेस के लिए एक तरह से, कोई हमें सर्वे करना है, कोई हमें क्विज करनी है, कुछ हमें बेसिकली हमारा असेसमेंट के लिए जो टूल है वो है काहूत। ठीक है, कैनवा पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, वो अब आज की डेट में वीडियो भी हो सकता है, एआई बेस्ड रिसोर्सेज भी हैं अगर आप लोगों ने ट्राई किए होंगे, इन्फोग्राफिक्स भी हैं और सोशल मीडिया से रिलेटेड भी डिफरेंट कॉन्टेंट्स हैं, एंड इनफैक्ट आप वहाँ पे ई बुक्स भी डिजाइन कर सकते हैं। तो उसकी जो दायरा है बहुत बड़ा है, पर दैट इज अ क्रिएशन टूल, वहां पे ऑलरेडी बने हुए रिसोर्सेज आपको नहीं मिलते, दैट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो इनको आगे ले जाते हुए, जैसे अभी इसमें बात आई एक्सकर्शन की या विजिट्स की, तो हम इन दो टर्म्स को पहले लेते हैं और आगे चलते हैं कि कैसे हम बिना फिजिकल विजिट किए कहीं पे जा सकते हैं। तो उसके दो माध्यम हो सकते हैं, एक पहला है हमारा पैसिव मोड जिसे हम वीडियोस कहते हैं, जो आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, दूसरा है हमारा आज की डेट में हम दो तीन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, और वो है वर्चुअल विजिट्स या फिर 360 डिग्री वीडियोस। 360 डिग्री वीडियोस क्या होते हैं, जिसके अंदर जैसे वीडियो में इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर ये वीडियो 360 डिग्री होता
तो आप जो है अपने मोबाइल पे एरो करके या फिंगर से टच करके या लैपटॉप पे एरो की से आप इस तरह से देख पाते हैं कि मेरे इस तरफ क्या है, मेरे इस तरफ क्या है, ऊपर क्या है। तो दिस इज लाइक मेरे चारों तरफ आप देख पाते हैं। तो जो ये 360 डिग्री वीडियोस होते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग के लिए भी 360 डिग्री कैमरास अवेलेबल हैं बाजार में। उनका यूज होता है जिसके थ्रू हम 360 डिग्री पूरा एक एरिया का या एक किसी भी जगह का या किसी भी चीज का 360 डिग्री वीडियो क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आज आप ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने अपने स्टेट में बैठकर, आप CIT आते हैं तो फिजिकली आप एक डोर से एंटर होते, लेफ्ट राइट लेते, किसी रूम में जाते या हो सकता है कुछ सीढ़ियां चढ़ते, एक अलग फ्लोर पे आते, एक रूम के अंदर जाते, वहां रूम में एक प्रोजेक्टर होता, आपके पड़ोस में कोई बैठा है, आपके पीछे कोई बैठा है, तो जैसे ही कोई पीछे बोलता है तो हम पीछे मुड़ के देखेंगे, प्रोजेक्टर पे वीडियो दिखाया जा रहा है तो हम सामने देखेंगे। इस तरह से अगर मैं इसी एक्सपीरियंस को आपके लिए 360 डिग्री वीडियो के रूप में ले आऊं, तो भले ही आज आप फिजिकली CIT में नहीं है, उसके अंदर आप लगेगा कि आप CIT के अंदर आ रहे हैं। तो यही एक्सपीरियंस जो है हमें सोशल साइंसेस में बहुत हेल्प करता है। अब मैं सोशल साइंसेस को अलग करके हिस्ट्री भी बोल सकती हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकती हूँ, तो बहुत ब्रेक नहीं करूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं मिलती भी है ये चीजें और कहीं कहीं पे बिल्कुल अलग भी है। तो उसके लिए हम जो एक प्लेटफॉर्म है जिसका हम यूज करते हैं वो है गूगल आर्ट एंड कल्चर। मैंने अभी आपके सामने गूगल पे सिंपली डाला है, स्टेप वाइज दिखा रही हूँ कि ये क्या, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम और टूल्स भी देखेंगे, एक ही टूल पे स्टिक नहीं करेंगे। आपको जरूर इस टूल को अपने आप एक्सप्लोर करना है एज एन, आप समझ लीजिए एक्टिविटी, एज एन असाइनमेंट, कि आज शाम को आप जा करके इस टूल के ऊपर अपने एग्जैक्ट टॉपिक से रिलेटेड भी कंटेंट ढूंढ सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि कितना यूजफुल ये आपके स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली फॉर सोशल साइंसेस हो सकता है। अब हम गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर एंटर होंगे, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पिक अ जापानीज म्यूजियम करके लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे ये म्यूजियम्स दिए हुए हैं, आप ये म्यूजियम एक्चुअली घूमेंगे, ठीक है। अब उसके भी दो तीन तरीके से हमें गूगल जो है घुमाएगा इन म्यूजियम्स के अंदर, उन म्यूजियम के अंदर हम किस तरह से घूमते हैं और क्या क्या देख सकते हैं, आप वो देखिए, विच इज आपके हिस्ट्री के लेवल पे, आपके इवन फॉर दी पॉलिटिकल साइंस एंड इवन फॉर दी साइंसेस इट इज वेरी यूजफुल, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस तरह का म्यूजियम है कि आपके सब्जेक्ट में वो काम आएगा। तो हम लोग यहाँ से कोई एक म्यूजियम ये सिलेक्ट करते हैं। अब आपके सामने खुला है ये ताची बाना म्यूजियम, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे ये इसका नाम दिख रहा है, जापान, यांगावा जापान में ये म्यूजियम है। आप नीचे आएंगे तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि इस म्यूजियम में क्या हमें प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे उसके बारे में एक, दिस इज अ हिस्टोरिकल म्यूजियम ओहाना एक्चुअली, जो कि एग्जिबिट करता है उस टाइम के यूटेंसिल्स, उस टाइम की जो कल्चरल चीजें हैं वो सारी चीजें। तो आप देखिए कितना इम्पॉर्टेंट ये हिस्ट्री के लिए हो सकता है। अभी हमें रेलिवेंट शायद ना लगे क्योंकि जापान की हिस्ट्री हम इतनी डिटेल में स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ते। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे इंडिया के म्यूजियम्स भी हैं जिनको हम घूम सकते हैं। अब हम म्यूजियम के अंदर जाएंगे, दो तरीके हैं, एक तो ये कि हम इन एग्जिबिट्स को डायरेक्टली देखें, नहीं तो ये आपको यहाँ पे एक छोटा सा ह्यूमन फिगर बना हुआ दिख रहा होगा येलो कलर का, आई होप आप सभी देख पा रहे हो, मेरा यहाँ पे कर्सर इस पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, आप देखिए मैं म्यूजियम के अंदर आ चुकी हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर ये मेरा कर्सर है, अगर मैं लेफ्ट क्लिक अपने लैपटॉप का या अपने कंप्यूटर का क्लिक करती हूँ और उसके बाद इसे मूव करती हूँ, ये है हमारा इस म्यूजियम का विजिट। जैसे हम फिजिकली घूमते हैं ऐसा लगेगा कि हम इस म्यूजियम में घूम रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं,
जैसे भी आप जाना चाहें आप जा सकते। और अगर आपको वो नहीं करना तो आपको ये एरो दिख रहा होगा, मेरे एरो के साथ ही एक एरो बीच बीच में आ रहा है, ठीक है? तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में ही आपको लेके जाएगा। दूसरा मैम, है, क्या मोबाइल के थ्रू भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल के थ्रू, मोबाइल ऐप है इसका, उसके थ्रू जी, आपको और बेहतर एक्सपीरियंस होगा। इनफैक्ट मैं, तो क्योंकि मोबाइल, अगर मैं मोबाइल से इसके अंदर कनेक्ट करूंगी तो कनेक्टिविटी इतनी स्लो है और खराब होगी, इसीलिए डायरेक्ट लैपटॉप से आपको दिखा रही हूँ। पर जब आप जी मोबाइल से जी करेंगे ना, तो मोबाइल से आप हाथ में मोबाइल पकड़ेंगे और आप ऐसे चलेंगे, आपको कुछ प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा, तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। अब आप देखेंगे मैं लेफ्ट क्लिक के साथ अगेन इसको, सॉरी लेफ्ट क्लिक नहीं, यहाँ पे आप जूम की ऑप्शन भी है। जैसे हम नॉर्मल जूम करते हैं फिंगर से अगर लैपटॉप के टच पैड पे, वैसे ही अगर आप करेंगे तो आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि वो सारा जापानीज में लिखा है तो वो हमारे काम का भी नहीं है, इसीलिए मैं उसको पढ़ने में समय नहीं लगा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब मैं इस एरो से आपको दिखाती हूँ कैसे हम आगे बढ़ेंगे। मैं सिंपली जहां एरो है वहां क्लिक किया, हम नेक्स्ट विंडो पे पहुंच गए। नेक्स्ट विंडो के आप रिसोर्सेस को देख सकते हैं, वही लेफ्ट क्लिक एंड मूव योर कर्सर, तो आपको ये देखिए वहां के आर्टिफैक्ट सारे नजर आ रहे हैं। अब आप इसको अपने सब्जेक्ट में अपने टॉपिक से कनेक्ट करते हुए पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए जब हम हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करते हैं, या हम आग की बात करते हैं, या हम उस वक्त के हथियारों की बात करते हैं, तो हम वो हथियारों की पिक्चर्स दिखाते थे। तो अगर इस वक्त हम बात करेंगे तो इस तरह के म्यूजियम से हम उन पत्थरों को एक्चुअल में उनको दिखा सकते हैं, जिससे बच्चों की लर्निंग की किस तरह से उनकी शार्पनेस या एजेस हैं जिससे वो लोग जानवरों के ऊपर अटैक करते थे, वो हमें समझ में आएगा। इसी तरह से वहां की गुफाओं में जो ड्राइंग्स मिली या जो वहां पे डिफरेंट चीजें मिली, उनको कैसे कंजर्व किया हुआ हमारे म्यूजियम से, हम डायरेक्टली देख सकते हैं। नॉर्मली क्या है कि अब मुझे अगर ये म्यूजियम देखना है फिजिकली तो जापान जाने की अब जरूरत नहीं रही, तो ये म्यूजियम अब आपके पास बिना दिल्ली आए, दिल्ली के म्यूजियम आपके पास अवेलेबल है। धीरे धीरे इसी तरह हमारे पास हमारे राज्यों में जो म्यूजियम है वो भी गूगल के ऊपर या डिफरेंट जो हमारे और एप्लीकेशंस आ रहे हैं उनके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा और इसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से ये मूव करता है और आगे बढ़ते हैं। फिर हम कोई इंग्लिश या हिंदी का लेंगे जिससे कि हम पढ़ भी पाए कि ये क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहा है। अब मैं इस म्यूजियम से बाहर आई और अब मैं दिखाना चाहती हूँ कि नीचे क्या डिफरेंस था, जो हमने अभी अभी ऊपर देखा और नीचे वाले में क्या डिफरेंस था। ये उसी के अंदर की स्टोरीज हैं, उसी के अंदर के एग्जिबिट्स हैं। जब आप उस पूरे म्यूजियम को घूमेंगे तो उसी के ट्रेजर्स को इन्होंने एक एक सेट बना के रखा हुआ है, एक एक कलेक्शन की तरह, और उसके बारे में फिर आपको डिटेल में दिया हुआ है। ये देखिए जैसे वहां जापानीज में था, यहाँ आपको इंग्लिश में दिया गया है, दिस मैच लॉक गन, तो यहाँ मैच लॉक गन की बात हुई है वो दिखाई हुई है। ये ऐसा कुछ हमने देखा था थोड़ा सा, तो ये क्या है, आर्मर है, ये पूरी डिटेल हमारे पास है। तो हमें एक पूरी लर्निंग हुई कि वहां का आर्मर कैसा होता है। से फॉर एग्जाम्पल हम कंपेयर करते हैं कि ये कौन से टाइम का आर्मर है और उस वक्त इंडिया में या किसी और कंट्री में किस तरह की यूनिफॉर्म या आर्मर्स यूज हो रहे थे, हम वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि मैंने यहाँ पे प्ले और ऑफ किया, यहाँ पे आपको ऑडियो भी इसकी प्ले होती है, वो मैंने अभी के लिए बंद की हुई है क्योंकि मैं दो लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ। अब हम वापस से होम पे आते हैं और चीजें देखते हैं कि क्या है। ये तो हमने एक पर्टिकुलर चीज देखी, एक और अगर यहाँ पे आई, ये बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस है, मशीन लर्निंग जिसको हम कहते हैं, तो इसको मैं एक बार क्लिक करती हूँ। ये है क्या, यहाँ पे है वायोला द बर्ड। अब ये वायलिन टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है और एक ये बर्ड है, ये वायलिन बजा रही है। तो जिसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो इस तरह की चीजें, या जिसका कला में एक्चुअल इंटरेस्ट है वो कर सकता है। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में अवेलेबल है, इसी तरह के और एक्सपेरिमेंट्स भी हम ढूंढ सकते हैं। सो अभी मैं प्ले करूंगी तो आपको आवाज आएगी नहीं, बट आपको करना क्या है, यहाँ मैंने एरो रखा
लेफ्ट क्लिक किया और मेरे को स्लोली इसको वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। मैं ऐसे प्ले करूंगी और आपके पास उसका ऑडियो भी आएगा। अभी मैंने ऑडियो क्योंकि शेयर नहीं किया है तो आपको नहीं आ रहा, और ये बिल्कुल आपको बताएगा कि आपके सुर में ठीक लग रहे हैं कि नहीं, मतलब एग्जैक्टली सुर नहीं, पर वो कहेगा कि अब आप स्लो करिए जिससे कि आप एक जगह पे बजा पाए, पूरा बजाइए जिससे कि पूरी आवाज आए। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन भी ये मशीन लर्निंग वाला एलिमेंट जो इसके अंदर है वो हमें दे रहा है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक-एक चीज डेमो कर रही हूँ, इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं हमारे, हम उनको भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम कैसे उसे क्लासरूम में ले जाके क्लासरूम को इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाते हुए लर्निंग करवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट, अगेन मैं होम पे जा रही हूँ। पहले इंस्टॉल करना होगा मैम, पहले अगर आपको एज ऐप जैसे फोन पे अगर आप डाउनलोड करें तो वो आपको ऐप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। लैपटॉप पे जी। अगर आप यूज करें तो डायरेक्टली मैंने आपके सामने वेबसाइट ही खोली है, कोई ऐप नहीं डाउनलोड किया है। ठीक जी है, ठीक है थैंक। अब देखिए ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट चीज जो हम देखने जा रहे हैं ये है एंशियंट इजिप्शियन नेकलेस। मैं इस पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हमारा सोशल साइंस से ज्यादा रिलेटेड है ये, यहाँ फिर ज्योग्राफी और हमारा साइंस आ जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं क्लिक कर रही हूँ। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। ये आपको यहाँ पे आर्ट के फिल्टर्स इन्होंने दिए हैं जिसके अंदर आपकी इजिप्शियन आर्ट्स दिखाई गई है। इसी को अगर आप ये इससे देखेंगे, इसमें मैं इसलिए दिखाना चाह रही थी क्योंकि ये वीडियो की फॉर्म में है, एक वैरायटी दिखाने के लिए। अब आप देखिए ये वीडियो प्ले हो रहा है, इसमें अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अब मैं आपको इसको मूव करके दिखाती हूँ, ये मैंने मूव किया, मेरा हाथ देखेंगे वो मूव हो रहा है। ये है 360 डिग्री वीडियो कि मैं एज इफ आई एम डाइविंग इन टू द सी टू आई एम वॉचिंग ऑल द क्रीचर्स देयर। ये है हमारा 360, जैसे हमने म्यूजियम में देखा कि हम घूम रहे हैं अंदर और जा करके हम एक एक चीज को पास से देख रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही चीज हमने इस रेफरेंस में, ये वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है पर हम फिर भी इसके अंदर उस वीडियो को के चारों तरफ देख पा रहे हैं। उसके अंदर क्या था कि वो वीडियो नहीं था, अगर आप म्यूजियम वाला कॉन्टेक्स्ट याद करेंगे तो वहां पे वो फिक्स था, हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेंट भी मूव कर रहा है कि अगला कंटेंट आ रहा है, वीडियो चलता जा रहा है, लेकिन हम भी मूव कर रहे हैं, हम उसके चारों तरफ देख पा रहे हैं। तो दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ कॉन्टेंट विच कैन बी ब्रॉट टू क्लास फॉर लर्निंग। ये डिफरेंट है और भी इसके अंदर बहुत सारे हैं, अभी ऊपर ऊपर जो अभी डिस्प्लेड है वो दिखा रहे हैं। ये आगे आपका गीजा के पिरामिड, इसकी आपको यहाँ पे इनको अभी स्टैटिक फॉर्म में एक जिसे कहते हैं कि जैसे हम H5P का आपने जिक्र किया होगा अभी पिछले सेशंस में, तो H5P पे आप इस तरह का कंटेंट भी बना सकते हैं। ये H5P की तरह है कि इंटरैक्टिव वीडियो बन गया हमारा कि हम एक एक की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे इसके बीच में एक आध जगह पे हमने वीडियो को भी देखा। अब हम फर्दर आगे आते हैं, और भी बहुत टाइप के इसके अंदर एक्टिविटीज हैं। यहाँ पे आर्ट वर्क्स हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेजेस के अंदर हम पोएम पढ़ते हैं या फिर लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं, मान लीजिए शेक्सपियर का या किसी का, तो उससे इंस्पायर्ड जो है यहाँ पे आर्ट्स बनाए गए। अगर आप CIT में भी आएंगे तो आपको कॉरिडोर्स के अंदर जो हमारी किताबों में पोएम्स हैं उनके ऊपर बेस्ड ड्राइंग्स या डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में उनको डिपिक्ट किया गया कि वो पोएम क्या कहना चाह रही है। उसी तरह से ये आर्ट वर्क भी किसी ना किसी कंटेंट को, किसी लिटरेचर को या किसी पोएम को दर्शाते हैं। अब वो क्या है वो ये बताए, यहाँ पे उन्होंने पूरी डिटेल उसकी दी हुई है, ये कौन है, ये वाज अ चाइल्ड ऑफ अ पेंटर, उसकी पूरी स्टोरी है, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, किसने बनाई है, सब कुछ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है।
इस तरह से जरूरी नहीं है कि ये लैंग्वेज बेस्ड ही कंटेंट हो, आपके पास और भी बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे इस फॉर्म में अवेलेबल है। अब हम आते हैं कलेक्शंस के ऊपर। तो कलेक्शन के लिए मैं एक बार एक्सप्लोर से आती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट चीजें हैं। हमने 360 डिग्री वीडियो का एक रेफरेंस देखा है अभी अभी। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो हमने म्यूजिक वाला एक्सपेरिमेंट देखा था वो एक्सपेरिमेंट्स आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ जाते हैं हिस्टोरिक इवेंट्स में। ये डिफरेंट कैटेगरीज है। अब ये आप देखेंगे तो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है। कितना अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है, वर्ल्ड वॉर वन है या कोल्ड वॉर है या डिफरेंट वॉर्स है, वो सारी यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लेन है विद इमेजेस या फिर विद वॉट एवर कंटेंट ऑफ दैट टाइम इज अवेलेबल इन अवर म्यूजियम्स। तो अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन की ही बात करूँ, तो इस इमेज को इन्होंने पहले तो एक्सप्लेन किया है, पहले तो वर्ल्ड वॉर वन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है इस इमेज का। उसके साथ ही रिलेटेड ये स्टोरीज हैं सारी, ये क्या क्या है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में कोई एक जगह या एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी, एक हम पूरा कितनी सारी कंट्रीज पैरेलली उस टाइम पे उस इवेंट में इन्वॉल्व थी। तो हम या तो नीचे वाली स्टोरीज पे क्लिक कर सकते हैं या इस इमेज पे। जब हम एक बार इस इमेज पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि ब्रिटिश ट्रूप्स इन ट्रेंच वेयरिंग रेस्पिरेटर्स। तो इस फोटोग्राफ के बारे में पूरी डिटेल है, कहाँ से ली है उसके बारे में, ये किंग्स कॉलेज लंदन आर्काइव्स में है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो ये दूसरी, ये भी वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड है। इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है, ये कहाँ पे है इमेज इस वक्त वो भी दिया गया है आपको। इस तरह से यू कीप ऑन मूविंग एंड लर्निंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन थ्रू दिस इमेजेस विच वी हैव एज अ रिसोर्स फ्रॉम दैट वेरी टाइम एंड नॉट लोकेटेड इन वन प्लेस। हमने देखा दो ही इमेजेस देखी तो वो दो अलग अलग जगहों से आएंगे। उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस डिफरेंट प्लेसेस से कंबाइन किए गए। अब अगर हम हिस्टोरिकल फिगर्स में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अब हम देखते हैं, हमें कोई किसी एक को हम देखना चाहें तो हम महात्मा गांधी जी से बहुत फेमिलियर हैं, तो हमने उन्हीं का देखा। पहले यहाँ पे महात्मा जी गांधी जी के बारे में बताया गया है, ये विकिपीडिया की बेसिक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जब मैं उनकी इस पिक्चर पे क्लिक करूंगी तो उनकी इस पिक्चर के बारे में मुझे डिटेल मिलेगी कि ये कहाँ है इस वक्त। ये गेटी इमेजेस से ली गई है न्यूयॉर्क से। आगे बढ़ते हैं, उनकी नेक्स्ट इमेज है ये, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये बताया गया कि 22 सितंबर की है, क्या हो रहा है, क्या इवेंट है वो बताया जा रहा है, ये कौन सी इमेज है इसमें उसकी डिटेल दी जा रही है। तो इस तरह से हमारे पास हिस्ट्री के इनोर्मस रिसोर्सेस इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि बड़े ही इंटरैक्टिव हैं, नॉट जस्ट वेरी पैसिव। यहाँ पे आप एक इमेज को पैसिव भी नहीं देख सकते, आपको उसके बारे में पढ़ना भी है, आगे देखना है और उससे रेलेवेंट कंटेंट भी आप उसमें ढूंढ सकते हैं। अब हम बाहर आते हैं तो बाहर ये देखिए, यही वाली इमेजेस को उन्होंने एक-एक करके हमें सीक्वेंस में दिखाना शुरू किया। अब यहाँ और भी डिफरेंट स्टोरीज हैं उनसे रिलेटेड, जो इवेंट्स हैं उनके, ये महात्मा गांधी है चर्च गेट स्टेशन की स्टोरी है, तो उसके अंदर उस तरह का कंटेंट इन अ स्टोरी फॉर्म भी दिया गया है। मैं जो दिखाना चाह रही थी एक आपको इम्पोर्टेंट चीज वो रही नहीं। मैं चाह रही थी कि दिल्ली का या इंडिया का कोई हम म्यूजियम देखें, तो 1 मिनट दीजिए उसके लिए मुझे। सर्च भी तो कर सकते हैं ना, सर्च ऑप्शन दिया हुआ था। बिल्कुल मुझे नाम नहीं याद है ना सर, इसीलिए मैं ढूंढ रही थी, देखा हुआ है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली किस पे है।
अब देखिए मैंने केवल दिल्ली डाला क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं था, तो यहाँ पे दिल्ली करके एक प्लेस आया, उसकी इमेजेस आई हैं। नेशनल म्यूजियम दिल्ली है, इनक्रेडिबल इंडिया जो हमारा एक बहुत बड़ा हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, मुद्दा जिसको पूरा एडवर्टाइज किया, कैंपेन जिसको कहते हैं, वो रहा है, वो भी है, नेहरू मेमोरियल है, और उसके अलावा हमारे ऑनलाइन एग्जिबिट्स हैं। तो ऑनलाइन एग्जिबिट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है, हम अभी वो भी देखेंगे, पहले हम नेशनल म्यूजियम चलते हैं। अब ये नेशनल म्यूजियम का एक इमेज दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है ये कहाँ पे अभी नेशनल म्यूजियम इस्टेब्लिश है। उसके बाद आपके पास ऑनलाइन एग्जिबिट्स हैं जो वहां पे रखे गए, या जिनकी इमेजेस वहां पे, जो जिस भी फॉर्म में वो हैं, वो एग्जिबिट्स को यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया। तो हम या तो यहीं से कलेक्ट चलते हैं अंदर, ये हमारा एक एग्जिबिट है जिसके अंदर ये शिव और पार्वती का पेंटिंग है मिनिएचर, ये जैसा हमने बोला कहाँ रखी गई है वो बताया हुआ है। अब हम बोलते हैं कि इससे आगे अगर जाना है तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं, नेक्स्ट चीजें इस तरह से देखते जाएंगे और उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। जैसे हमने वो म्यूजियम देखा उसी तरह से इसका भी म्यूजियम भी शो कर रहा था, वो मैं अभी देखती हूँ कौन से उससे आएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो एनीवेज अभी हमने एक चीज देखी, अब हम एक आध चीज और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि और क्या रिसोर्सेज हमारे पास सोशल साइंसेस के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑर्नामेंट्स के ऊपर है ये वाला कलेक्शन, आप देखेंगे इसमें इमेजेस अभी डाउनलोड हो रही है, मेरा सिस्टम स्लो है। ये जितने ब्लैंक बॉक्सेस साइड पे, इनमें सब में जो है ज्वेलरी आएगी जिसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुली एंड हाउ क्रिएटिवली एवरी रिसोर्स हैज बीन डिजिटाइज इन अ फॉर्म विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर आर सब्जेक्ट, क्योंकि हम ऐसे ही बैठ के एक चीज को नहीं देख सकते, एक इमेज टाइप में हम हो जाएंगे, यहाँ प्रॉपर विजिट की तरह हम उसे देख रहे हैं या प्रॉपर एक बुकलेट की तरह पढ़ रहे हैं जैसे वहां पे रखी होगी। अब ये देखिए हम यहाँ आ गए, इसका पूरा एक वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको भी जैसे हमने उसमें किया था ऊपर नीचे मूव करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे पढ़ना है, आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। देवी देवता अदृश्य का दृश्यमान हो जाना, पूरी डिटेल हमें यहाँ पे समझ में आ रही है, दैट मीन्स इतनी हाई क्वालिटी में इसको कैप्चर किया गया है कि हम इतनी डिटेल में इसको पढ़ पा रहे हैं। अब मैं वापस इसके ऊपर एक बार हम ऊपर आते हैं और एक कंटेंट में दिखाना चाहती हूँ, टाइप ऑफ कंटेंट वो हम देखेंगे। वो है स्ट्रीट व्यू, जो अभी हमने नहीं डिस्कस किया है वो है स्ट्रीट व्यू। जैसे मान लीजिए कहीं पे एग्जीबिशन लगी है और हमने वो एग्जीबिशन मिस कर दी, अगर वो कैप्चर हुई है तो हम स्ट्रीट व्यू के माध्यम से उसको देख सकते हैं। ये तो बहुत ही
नहीं तो कोई बात नहीं, आप उसको एक बार एक्सप्लोर करेंगे, स्ट्रीट व्यू उस पे लिखा हुआ होता है, आप आराम से उसको देख सकते हैं। उसके अंदर भी हम मूव करते हैं बेसिकली, जैसे हम 360 डिग्री में मूव कर रहे हैं, 360 डिग्री में वीडियो भी मूव कर रहे हैं। वहां पे वीडियो मूव नहीं करेगा, स्टैटिक भी हो सकता है, मूव भी हो सकता है, और आप चारों तरफ देखेंगे। तो मान लीजिए आप दिल्ली के किसी एग्जीबिशन में आए हैं, तो आप उस एग्जीबिशन के थ्रू मूव कर रहे हैं, प्लस आप ऊपर नीचे चारों तरफ भी देख सकते हैं। तो ये एक हमारा इम्पोर्टेंट टूल था, गूगल आर्ट एंड कल्चर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। डिफरेंट इवेंट्स आप इसमें से निकाल सकते हैं, जो कि आपके कंटेंट से, क्लास कंटेंट से रिलेटेड हो, जो बच्चों को पढ़ने में या समझने में उस चीज को हेल्प करें। जैसे हमने एक चीज पढ़ी यहाँ पे, एक है इंडियन रिबेल ऑफ 1857, जो कि 6-7 से स्टार्ट होता है, और 3-4 क्लासेस हम लगातार इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये वाला जो कंटेंट है वो हमारा उन लेवल्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट की भी पूरी एक लाइब्रेरी है, 135 आइटम्स है इसके अंदर। उनको भी आप क्लासरूम में, आप चाहे तो अपनी प्रेजेंटेशन में डालिए, चाहे डायरेक्टली इसको यूज करिए, आप उसको अपनी क्लास में लेके आ सकते हैं। इसको मैम जब हम लोग अपना कंटेंट डेवलप करेंगे तो प्रेजेंटेशन इसका यूज कैसे करेंगे इस में भी इसको कैसे टूल यूज का? करेंगे जरा? इसकी इमेजेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप तो अपनी क्या ये वेबसाइट ओपन सोर्स है? गूगल में है, फ्रीली अवेलेबल है, अलाउ करता है यूज के लिए, बाकी आपको रेफरेंस तो देना पड़ेगा। आप अच्छा जब हमने खोला था तो वहां पे जो नीचे की डिटेल आ रही थी उसके अंदर उसकी पूरी डिटेल दी हुई है कि ये कैसे आप यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हमने देखा था ना किसने क्रिएट किया है, क्या क्रिएट किया है, तो वहां पे आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब मैं नेक्स्ट टूल की तरफ जाऊंगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सोशल साइंसेस में, जिसका जिक्र आप लोगों ने किया भी नहीं है। मेरे को सरप्राइज है कि कैसे वो मिस हुआ। जैसे हमारी इतनी वॉर्स हुई, या मान लीजिए पॉलिटिक्स के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन कौन कब कब थे, तो एक टाइम की हम बात करते हैं। तो हम एक टूल होता है जिसे हम कहते हैं टाइमलाइन, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके अंदर भी आप टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव, जो गूगल डॉक्स या गूगल प्रेजेंटेशन के अंदर भी आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं बेसिक, जिसके अंदर आप थोड़ा सा टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं कैनवा के ऊपर, क्योंकि कैनवा आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और आपने किसी ने किसी सेशन में डिस्कस किया भी होगा। तो उसके अंदर आप टाइमलाइन वाला फीचर लेकर के सोशल साइंसेज में इसका यूज कर सकते हैं। अब ये तो है कि आपने एक टाइमलाइन चुनी और आपने बनाई, पर इसके अलावा भी एक ऑप्शन है कि आपने एआई सुना होगा, पर आपको कंटेंट को वेरीफाई जरूर उसमें करना पड़ेगा। तो ये एक टूल है प्रिसीडिन। यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको कुछ बोला कि एक टाइमलाइन क्रिएट करके, तो इनकी कुछ लिमिट्स होती हैं, बहुत फ्रीली तो अवेलेबल उतना नहीं है। कुछ नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन टाइमलाइंस आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टाइमलाइन बनानी है कि प्राइम मिनिस्टर्स की बोल दीजिए, या कोई जो हमारे पे इंडिया पे जितना राज हुआ उसके ऊपर आप कोई बनाने बना दीजिए। तो उस तरह से आप कोई भी टाइमलाइन बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको एक हिंट दिया, मुगल एरा। अब आप देखेंगे ये एनालाइज कर रहा है मेरे टॉपिक को, ऑनलाइन इसका कंटेंट ढूंढेगा और एक टाइमलाइन मुझे बना के देगा। अब एज ए टीचर को हमें वेरीफाई करना है कि क्या वो कंटेंट सही है। हम बिल्कुल ब्लाइंडली बना करके सीधा क्लास में उसे नहीं प्रेजेंट कर सकते, हमें उसको पहले वेरीफाई करना है, फिर ही हम उसको क्लास में लेकर के जाएं। तो यहाँ इट विल टेक 2-3 मिनट्स टू क्रिएट योर टाइमलाइन। उसके बाद आपकी टाइमलाइन रेडी हो जाएगी। आप डायरेक्टली इसके माध्यम से ही सिखा सकते हैं, क्योंकि इसकी बाकी चीजें जो है वो पेड है। बट क्योंकि अब एआई से बनाने का जो फीचर था वो सिर्फ इसी टूल में था, तो मैंने सोचा एक बार आपको जरूर दिखाऊं कि किस तरह से एआई भी हमारी हेल्प कर सकता है। पर वो केवल उतनी ही हेल्प करेगा कि आपको नॉलेज कंपाइल करके दे देगा, वेरीफाई आपको करनी है, क्योंकि वो कहाँ से नॉलेज ला रहा है हमें नहीं पता। वो सोर्स
करेक्ट है या नहीं है, वेरीफाइबल है या नहीं है, तो आपको एक एक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। बेनिफिट सिर्फ इतना है कि जो टाइमलाइन बनाने में आपको शायद 2 दिन लगे, वो आपको ये 5 मिनट में बना के दे देगा, पर आपको उस पर फिर भी आधा दिन एक दिन लगाना पड़ेगा कि आप उसकी पूरी रिव्यू करें, उसको चेक करें और तब उसको यूज करें। स्टार्टिंग में जो हमने टूल यूज किया था, तब तक मैं उसकी बात कर लेती हूँ जब तक ये टाइमलाइन बना रहा है, वो था मेंटीमीटर, जिसके ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और आपने आंसर दिया था, और वो आंसर जिस फॉर्म में आया था वो है वर्ड क्लाउड। ये जो था, दिस इज कॉल्ड अ वर्ड क्लाउड। यहाँ पे जो सबसे रिपीटेड आंसर होगा वो सबसे बड़ा नजर आएगा, जो उससे कम नंबर ऑफ आंसर होंगे वो उससे छोटा नजर आएगा, और बाकी देखिए सब मुझे लगता है वन टाइम वाले हैं क्योंकि सबका साइज सेम है। तो ये वर्ड क्लाउड अपने आप में डेटा को आपको एनालाइज करके दे रहा है कि कौन सा मोस्ट यूज आंसर है। तो आपको वो वाली चीज, इस टाइप के जो एप्लीकेशन है आप उनको भी यूज कर सकते हैं। वर्ड क्लाउड एक ऑप्शन है, इसके अंदर आप MCQ कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, उस तरह की सारी एप्लीकेशन आप इस टूल से क्लासरूम में कर सकते हैं। अब हम आ गए, हमारी टाइमलाइन रेडी है, ये देखिए टाइमलाइन ऑफ मुगल एरा, जिसके अंदर इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द मुगल एरा, यहाँ पे आपकी ईयर्स दिए गए हैं, यहाँ पे दिख नहीं इंट्रोडक्शन रहा टू है, न्यू मैं क्रॉप्स। सो नहीं हो रहा है। अच्छा एक सेकंड, आपको पहले भी शो नहीं हो रहा था जब मैंने दिखाना शुरू किया था? नहीं अभी तक तो शो हो रहा था, अभी मेंटीमीटर का वर्ड क्लाउड तक शो हुआ, इससे आगे नहीं हो रहा। नहीं, जब वर्ड क्लाउड से पहले मैंने बोला था कि मैं टाइमलाइन बना रही हूँ वो शो हुआ था? नहीं नहीं, नहीं वो वो नहीं हुआ था, भी अरे नहीं तो हुआ आपको था। पहले बोलना चाहिए था, मैं भी ओहो रीशेयर करती हूँ एक बारी। ओके आप जब लगे कि जो मैं बोल रही हूँ वो कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप बोलिए। आपने गूगल का तो सारा देखा है ना, वो जी, वो देखे तो दिखा है ना कम से यस कम? मैम, गूगल वाला सारा दिख ठीक रहा था। है, टाइम अभी अभी आपने लाइनर से नहीं वर्ड देखा। क्लाउड दिखाया वो भी दिखा, बट अच्छा टाइम लाइन वाला नहीं हो रहा था। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं अभी कोशिश करती हूँ सारा ही शेयर करती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो ये है हमारा एक एप्लीकेशन जिसकी मैं बात कर रही थी, जो टाइमलाइन क्रिएट करने के लिए मैंने चूज किया क्योंकि ये AI से भी क्रिएट करता है। आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मैन्युअली, नहीं तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिंपली कुछ नहीं किया था, मुगल एरा टाइप किया था और जनरेट किया था। अब यहाँ रीजनरेट आ रहा है क्योंकि एक बार ऑलरेडी बना चुका है। तो हमारी जो नीचे टाइमलाइन बन के आई वो ये, अब आप देखिए यहाँ ईयर स्टार्ट हो रहे हैं, इकोनॉमिक की बात किया है उसने, न्यू क्रॉप्स इन मुगल एरा, मुगल ट्रेड, मुगल कॉइनेज, फिर आगे आते हैं तो ये कल्चर की बात हो रही है, साइंटिफिक अचीवमेंट्स की, उससे रिलेटेड सारा जो है एज पर द ईयर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे है, तो आप स्क्रॉल करेंगे तो ईयर वाइज आपको सारा ये डेटा देगा। फिर ये है फाउंडिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ द मुगल एरा। मैम कैसे टाइमलाइन बनाना शुरू करेंगे, शुरू से बताएं मैम प्लीज। यहाँ पे ये मैंने नहीं बनाई है, ये AI ने बनाई है सबसे पहले। तो जैसे हम मान लीजिए एक्सेल शीट पे डेटा भरते हैं कि आपने एक कॉलम में ईयर रखे, एक में आपने टाइप ऑफ एक्टिविटी रखी, वैसे ही आपने टाइमलाइन में भी कंटेंट डालना होता है। यहाँ पे एक फीचर है प्रेसिडिन में कि आप अपनी AI से भी टाइमलाइन बनवा सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये 4 शब्द डाले हैं, ये 2 शब्द मुगल एरा, और ये क्लिक किया जनरेट, और आपकी टाइमलाइन उसने 5 मिनट के अंदर मुझे तैयार करके दे दी। मैन्युअली वाली अभी हम देखेंगे एक बार कि कैसे बनती है। ये अब हमने देखा कि ये इस तरह से पूरी टाइमलाइन हमारे पास अवेलेबल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको उसको सिर्फ कमांड दी, पर एज ए टीचर आपको ये चेक करना है कि ये फैक्ट सही है या नहीं, तभी आप इसको यूज करेंगे क्लासरूम में। क्योंकि AI जो है एक समय तक का डेटा जो से अवेलेबल है वो उसी को यूज कर रहा है, तो हो सकता है किसी तरह की कोई गलती भी हो। आपको एज ए टीचर हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको वेरीफाई करना है,
फिर ही उसको क्लासरूम में लेके जाना है। अब अगर बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है, तो आप इसको एज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एज इमेज ले सकते हैं, या फिर बेटर होगा कि आप इसका लिंक ही लें, क्योंकि ये बड़ी टाइमलाइन होती है, इतनी बड़ी है तो ये इमेज में कंप्लीटली आएगी नहीं, और अगर आ गई तो वो हमें समझ में नहीं आएगी, उतनी छोटी हो जाएगी। इसीलिए बेहतर है कि आप उसको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से क्लासरूम में दिखाएं। अब ये देखिए पूरा आपको मुगल एरा एज अ टाइमलाइन मिल गया। आपको री एग्जाम्पल देखना है तो हमको ये और टॉपिक ढूंढते हैं। मैं यहाँ पे डालती हूँ प्राइम मिनिस्टर्स, इंडिया फ्रॉम आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो मैंने इसको बोला जनरेट कर लिया। अब ये टॉपिक को पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद उसके टाइमलाइन के ऊपर काम करेगा। अभी मेरे शायद नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इसको रीजनरेट नहीं कर पाया, बट मैं आपको नेक्स्ट क्रिएट मैनुअली का वर्कस्पेस दिखा देती हूँ, सो दैट आपको जब खुद बनानी पड़े मान लीजिए तो आप थोड़ा बहुत उसको कर पाए। यहाँ पे आपने ये लेआउट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, आपने फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल वाला चुना या फिर ये नेक्स्ट वाला, एक मिनट इसके नीचे लेके जाती हूँ, मल्टीपल लेयर्स वाला, आपने जो भी लेआउट चुनना है आपने उसको क्लिक किया। यहाँ पे आपने अपने टाइमलाइन को नाम देना है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक एक इवेंट ऐड करते जाना है, जो भी डेट है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, सॉरी क्रिएट टाइमलाइन करती हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन आ गई, ये मुझे अब बोलेगा कि आप क्लिक करिए। आप इसकी लैंग्वेज वगैरह अपने हिसाब से सेट करेंगे। फिर यहाँ से मैंने ऐड इवेंट किया, तो मैंने अपने इवेंट का नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वो कब बने थे, कब तक थे, उसके रिलेटेड कोई नोट है, और यहाँ पे आपको नीचे उसको ऐड कर देना। ये ऐड का बटन है, एक मिनट में दिखा देती हूँ, ये ऐड इवेंट होगा। इसी तरह फिर सेकेंड प्राइम मिनिस्टर आप बनाते जाएंगे और वो प्लेस होता जाएगा और आपकी टाइमलाइन रेडी हो जाएगी। इस तरह से आप मैन्युअली भी कर सकते हो और एआई की मदद से भी टाइमलाइन को क्रिएट कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, एटलीस्ट आप लोग को टूल का आइडिया मिल जाएगा तो आप बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा मैम, इसमें जो टाइमलाइन क्रिएट की है तो हाँ उसको भी कहीं अलग से हम ले जा सकते हैं, अपने किसी कंटेंट में डाल सकते हैं ले सर, जाके? मैंने अभी बताया था आपको कि आप उसको जेपेग मतलब इमेज या पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, पर अगर अच्छा आपकी टाइमलाइन बड़ी होगी तो जेपेग में वो नजर ही नहीं आएगी, बहुत नहीं छोटा आएगी। होता है ना, हाँ तो बेटर हाँ है कि आप इसका लिंक डाल लें और इसी पेज पे आप अपने आप को रीडायरेक्ट करके दिखाएं। मतलब एक जी प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि सामने वाला समझ भी पाए उससे। अगर सिर्फ इमेज ही दिखानी है कि हमारे पास एक टाइमलाइन है तब तो आप ले जा सकते हैं। पीडीएफ थोड़ा बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि उसमें आप शायद थोड़ा बड़ा आपको नजर आए, बट बेहतर ऑप्शन यही रहता है टाइमलाइन जैसी एप्लीकेशन के साथ कि उसे ऑनलाइन मोड में ही रखें, क्योंकि वो एक इंटरैक्टिव रिसोर्स है। जैसे ही जी आप मैम ले आए तो वो पैसिव बन गया, तो उसका और इमेज में कोई फर्क नहीं रह जाता। जी इसीलिए मैम मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग कोशिश करें उसे उसी प्लेटफॉर्म पे जहां भी बना रहे हैं, चाहे कैनवा पे बना रहे हैं, इस पे बना रहे हैं, टिकी टॉकी पे बना रहे हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, आप किस पे भी बना रहे हैं वहीं पे रख के उसको प्रेजेंट करें। अब मैं नेक्स्ट टूल की तरफ आपको लेके जा रही हूँ, जो कि बहुत सिंपल बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म है हमारे पास। जैसे आप लोग काहूत यूज करते हैं तो काहूत पे आपको पूरी क्विज बनानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें जो है वो डायरेक्टली मिल भी जाएंगी, अगर आप उनको एडिट करना चाहें आप एडिट भी कर सकते हैं थोड़ा सा, या पूरी नई बनाना चाहें तो आप नई भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपना लॉग इन करना है, तो मैंने अपने गूगल अकाउंट से इस पे ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, मैं अपना गूगल अकाउंट चूज करूंगी और ये लॉग इन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट, दूसरा आ रहा है माई लाइब्रेरी और एक है एक्सप्लोर। माई लाइब्रेरी में आपको वो मिलेंगी जो मैंने बनाई है, चाहे मैंने पूरी खुद बनाई है, चाहे मेरी कुछ मैंने कॉपी की है, डिपेंडिंग ऑन माई ओन लिस्ट। अगर मैं एक्सप्लोर करती हूँ
तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। मान लीजिए मुझे सोशल स्टडीज मैंने यहाँ क्लिक किया, हिस्ट्री क्लिक किया और मेरे पास हिस्ट्री की जितनी क्विजेस है वो आ गई। अगर आप ये नहीं चाहते आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, आप वो टॉपिक सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कोई टॉपिक आपको अगर याद है तो हम वो टॉपिक यूज कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको जो हिस्ट्री का याद हो, आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो है हम क्विज को सर्च करेंगे, और एक बार जब हम सर्च कर लेते हैं तो वो इस तरह से हमारे पास खुल जाएगी। अब ये देखिए यहाँ एज ए टीचर अभी आपको आपको करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर दोनों दिख रहे हैं। ग्रीन वाला जो है वो करेक्ट आंसर है, रेड वाला जो है वो रॉन्ग आंसर है। अब आप इसको एज होमवर्क असाइन कर सकते हैं या लाइव क्विज कर सकते हैं। लाइव क्विज इस तरह से होगी कि मैंने बोला लाइव क्विज क्लासिक एंड आई से कंटिन्यू। अब आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्विज रन होगी, ये आप क्लासरूम में पूरी क्लास के सामने रन करेंगे और सभी लोग उसको आंसर देंगे। ऑलमोस्ट जैसे हमने मेंटीमीटर के साथ एक्टिविटी की, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको ज्वाइन माई क्विज पे जाना है, कोड एंटर करना है और फिर हम लोग ये क्विज खेलेंगे। अभी मैं खिला नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम का रिमाइंडर आ चुका है। इसमें आपके अगर कोई क्वेश्चन हो अभी हम वो ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये सेशन अभी विद इन 5 मिनट्स क्लोज करना है, नोटिस भी आ गया वी विल क्लोज द रूम्स, तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हम लोग यूज करते हैं। 360 डिग्री जो हमने अभी आर्ट एंड कल्चर की बात की वो इट इज वेरी रेलिवेंट टू सोशल साइंसेस, क्योंकि हम सोशल साइंसेज में हमें जो नॉर्मली प्रॉब्लम आती है वो आती है कि बड़ा बोरिंग और लैगिंग सा सब्जेक्ट है, तो वो वहां से हमारी जो है काफी हद तक खत्म हो जाती है। और ये क्विज जैसे जो टूल है ये क्लास के अंदर एंगेजमेंट जो हमारी एक्टिविटी है हम उसको बढ़ा सकते हैं। आप जो ये क्विज है ये आप H5P जो आपने सीखा है उससे भी बना सकते हैं, आपने कैनवा किया उससे आप टाइमलाइन बना सकते हैं, माइंड मैप आप सोशल साइंस के लिए बना सकते हैं फॉर एक्सप्लेनेशन एज वेल एज आप क्लासरूम के अंदर जो आपने पढ़ाया तो आप अगर उनको बोले कि इसका माइंड मैप बनाइए, जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर की फॉर्म में बनाएं, वो पेपर पे भी बना सकते हैं, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि नॉलेज गैप बच्चों में कहाँ पे है, तो वो असेसमेंट का काम भी करेगा। कोलैबोरेशन, ग्रुप स्टडीज, सारे जो हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं चाइल्ड सेंटर्ड नॉलेज के, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के, वो उसके अंदर हमारे इन टेक्निक्स के साथ हम ऐड कर सकते हैं, ब्रिंग इन कर सकते हैं क्लास के अंदर। आपके कोई भी सवाल है इनसे रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। बच्चों को ले सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं हम? सॉरी मैम समझ में नहीं आया आपका सवाल। मैम जो हम होमवर्क असाइन करेंगे वो हम बच्चों तक कैसे भेजे? ये देखिए मैं करके दिखाती हूँ, ये मैंने होमवर्क असाइन किया, तो ये जैसे आपको गूगल क्लासरूम का पता होगा, या तो आप गूगल क्लासरूम पे आपको लिंक भेज सकते हैं, ये दूसरे और भी डिफरेंट LMS हैं, ये कैनवस है, कैनवस पे आप भेज सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ से एक लिंक जनरेट करके आपको लिंक डायरेक्टली तो भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे या जो भी आपके पास मीडियम अवेलेबल। ये जो लिंक है आप ये लिंक उनको भेज सकते हैं, या फिर ये जो है joinmyquiz.com और ये कोड आप उनको भेज सकते हैं। ये सारे मैकेनिज्म से आप उनके साथ ये क्विज कर सकते हैं। होमवर्क के अंदर फायदा ये होता है कि आप एक टाइम दे देंगे और आप एक एंडिंग टाइम दे देंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम दे देंगे, उसके अंदर ही ये क्विज रन करेगा, ठीक है? तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि उसके बाद वो बच्चा उसको नहीं करेगा, तो ये 2-3 तरीके से आप इसको क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं। और कोई सवाल? मैम म्यूजियम को एक्सप्लोर करने का एक बार फिर से बता देती। पूरा सेशन किया इस वक्त क्या स्टार्ट कीजिएगा आप एक बार ही, मैं दिखा देती हूँ, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग एक बार खुद उसको जरूर एक्सप्लोर करें, तभी मजा आएगा। मैडम 3D तक पहुंच गए लेकिन म्यूजियम के अंदर नहीं जा पाए।
पा रहे हैं मोबाइल के थ्रू, डाउनलोड भी किए लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। नहीं ऐसा होगा सर, अगर हो सकता है कोई कोई म्यूजियम जो है विजिट वाला नहीं है, वो केवल आर्टिफैक्ट्स वाला है, वो इमेज की फॉर्म में आपको मिलेगा, कुछ के अंदर आपको अंदर जाना अलाउड है, तो वो देख लीजिए, उसके अंदर अगर ह्यूमन फिगर बनी हुई आ रही है तभी आप उसके अंदर एज म्यूजियम वॉक करेंगे, ठीक है, वो भी हो सकता है। मैं उसको नहीं खोलती हूँ, कोई और म्यूजियम खोलती हूँ, शायद उससे पता चलेगा कि है कि नहीं। ये देखिए, ये जो फिगर थी ह्यूमन फिगर, ये अगर जी नहीं आ रही है तो इसका मतलब वॉक थ्रू वाला म्यूजियम वो नहीं है, अगर ये आ रही है तभी वो वॉक थ्रू है। अब मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फोन में भी, तो आप उस म्यूजियम के अंदर वॉक कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है मैम, लगता है ये फिगर नहीं ढूंढ पाए, नहीं काफी हो सकता है उसके अंदर किसी किसी में ना हो, उसके अंदर क्या है कि केवल आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे इमेजेस या जो भी उनके अलग अलग कलेक्शन बना के उन्होंने दिए हैं, तो उसको आपको केवल एरो से आगे पीछे करके उसको देखना है, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, पर वो वॉक थ्रू उसका अभी अवेलेबल नहीं होगा, हो सकता है जो आपने खोला है। ठीक थैंक यू मैम। है, तो आई होप आप लोगों के लिए सेशन कुछ यूजफुल रहा होगा, कुछ आप लोग को बाद में क्लास में जरूर आप इसे यूज कर पाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग प्लीज प्लीज इसको एक्सप्लोर, गूगल आर्ट एंड कल्चर को खुद से जरूर करें, क्योंकि उसके बिना नहीं आप कुछ यूज कर पाएंगे इसको बाद में। और टाइमलाइंस पे भी आप लोग टाइम लगाएं, क्योंकि टाइमलाइन पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एक टूल और है जो मैं नहीं करवा पाई, वो है वर्ड वॉल। वर्ड वॉल के अंदर आप जब जाएंगे तो आप उसके अंदर मैप्स को, आप जैसे पॉलिटिकल साइंस है फॉर एग्जांपल, तो आप स्टेट को आप मार्क करवा सकते हैं, या फिर आप वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन के उनके नाम आप मार्क करवा सकते हैं, उस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं। तो आप वर्ड वॉल है WORD WALL, उसको भी आप खुद से एक बार एक्सप्लोर करिए, उसके अंदर काफी टाइप ऑफ कंटेंट है जो आप खुद क्रिएट भी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी रूम बंद होने वाला है, तो थैंक यू वेरी मच। Yes, sir.